Welcome to Mom's Kitchen. Subscribe to my channel and like and share my video. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Aaj hum bana rahe hain bhindi gosht. Gosht ka shorbe wala salan ho aur usme koi sabzi dali jaye to bahut maza deti hai. Umeed karte hain aap log is recipe ko pasand karenge aur ise like karenge. Aaye shuru karte hain. Iske liye hame chahiye 1/2 kilo gosht haddi wala. गोश्त का हड्डी वाला होना ज़रूरी है. साथ ही हमें चाहिए भिंडी 1/2 किलो, प्याज हमें चाहिए होंगी 6 अदद दरमियाने साइज़ की, इसके बारीक बारीक स्लाइस काट लेने हैं. साबित गरम मसाला हमें चाहिए होगा जिसमें शामिल हैं लौंगें 6 अदद, काली मिर्ची 15 से 16 दाने और दार चीनी के 2 टुकड़े. और हमें चाहिए होगा लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक काटा हुआ. अगर खटाई डालना पसंद ना करते हो तो टमाटर को स्किप भी किया जा सकता है, या दही डालना चाहें तो जब हम मसाला भून रहे हों उस वक्त दही शामिल करें. अच्छा, खुश्क मसालों में हमें चाहिए होगा पिसी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसा धनिया 1 टेबलस्पून, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच और नमक हसबे जायका या 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा. साथ ही हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 1.5 कप के करीब और पानी चाहिए होगा हमें गोश्त गलाने के लिए और ग्रेवी बनाने के लिए. चले आए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखिए मैंने गोश्त डाला. गोश्त का हड्डी वाला होना ज़रूरी इसलिए कहा था क्योंकि हड्डियों की मौजूदगी से गोश्त के सालन में लज्जत और जायका बहुत ज़्यादा आता है. साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए प्याज. प्याज थोड़ी सी मैंने बचा ली है, ये जब मसाला भून रहे होंगे उस वक्त हम तड़का लगाएंगे इस प्याज का. इसमें अब मैंने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और बारीक काटा हुआ टमाटर. टमाटर डालना नहीं चाहें तो आप इसे ना डालें. और तमाम खुश्क मसाले भी मैंने इसमें शामिल कर दिए. साथ ही इसमें हम साबित गरम मसाला डाल देंगे और 1 लीटर के करीब पानी हम इसमें शामिल करके इसे पकने के लिए चढ़ा देंगे. गोश्त को इतनी देर हमें पकाना होगा कि ये अधगला हो जाए. जब ये 1/2 गल जाएगा उस वक्त हम इसका तड़का देंगे. ये देखें, 1/2 घंटे के बाद हमने चेक किया है, पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और प्याज भी नरम पड़ने लगी है. इसे ढक्कन ढाँप कर पकाना है. देखें पानी और कम हो गया है और मसाला गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है. जब 1 से 1.25 घंटे में गोश्त अधगला हो जाए तो उस वक्त हम एक काम और करेंगे. 1 फ्राई पैन में तेल को गरम करेंगे. तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, इतना गरम करेंगे कि हमें उसमें भिंडियाँ तलनी है. भिंडियाँ डालते ही जले ना. कुछ लोग भिंडी कच्ची भी डायरेक्ट सालन में डालते हैं, लेकिन इस तरह तल कर डालने से आप जायके में ज़्यादा वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे. ये भिंडी का टोपी वाला हिस्सा मैंने काट दिया है. कुछ लोग दोनों जानिब से भिंडी को काटते हैं पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप देखें तेल बहुत तेज़ गरम नहीं है. भिंडी को मुस्तकिल चलाते हुए तलना है, बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना. जब हल्का इसका रंग तब्दील हो जाएगा तो हम भिंडी निकाल लेंगे. आप देखें भिंडी सुकड़कर थोड़ी कम कम भी महसूस हो रही है. ये 1/2 किलो भिंडी है.
तमाम भिंडी को हमने बाहर निकाल लेना है। इसके बाद हमने जो बचा के रखी थी प्याज, जब हम गोश्त गलाने के लिए चढ़ा रहे थे, उस वक्त इस्तेमाल कर लेंगे उस प्याज को। सुनहरा तलेंगे इसको। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो इसको हम गोश्त में शामिल कर देंगे। और गोश्त को अभी पकने देना है जब तक कि ये पूरा गल ना जाए। जब आपको लगे कि गोश्त गल चुका है तो इसको भून लेंगे। गोश्त गल चुका है, अब हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे, इसका मसाला गाढ़ा होके बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम मसाला पीस कर पकाते हैं। और शोरबे में कोई प्याज के टुकड़े, ज़र्रे कुछ नहीं तैरते हुए नज़र आएंगे, बिल्कुल अच्छा सालन बनेगा। अब देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, गोश्त अच्छे से भुन गया है। इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। पानी की मिकदार इतनी डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए होगा। पानी डालने के बाद हम 10 से 15 मिनट तक पानी को और गोश्त के सालन को जोश देंगे ताकि मसाला और पानी आपस में अच्छी तरह मिल जाए। देखिए, रंगत भी तब्दील हो गई है, तेल भी ऊपर आने लगा है, गोश्त तो गल ही चुका है। तो अब हम इसमें तली हुई भिंडियों को शामिल कर देंगे। भिंडियां शामिल करने के बाद ढक्कन ढाँप कर बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना है। इस तरह करने से भिंडियां खुल जाएंगी और ज़रूरत से ज़्यादा गल जाएंगी, सालन बदशक्ल हो जाएगा। लिहाजा भिंडियां शामिल करने के बाद इसको हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाना है। इस दौरान इसे खोल कर देखना है, भिंडी गल जाए तो सालन तैयार है। सालन तैयार हो चुका है, इसमें हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। उम्मीद करते हैं आपको सालन बहुत पसंद आएगा। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।